भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने भोजपुरी की कई एक्ट्रेसेस के करियर की नैया पार लगाई है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो आज भोजपुरी के शीर्ष पर हैं, यानी कि टॉप की एक्ट्रेस हैं। आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला नाम मोनालिसा का है। जी हाँ, मोनालिसा जो आजकल हिंदी सीरियलों में डायन बनी फिरती हैं, कभी बिग बॉस में थी। तो आपको ये बता दें कि पवन सिंह ही एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके साथ मोनालिसा की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था, और मोनालिसा की ज़्यादातर हिट फिल्में पवन सिंह के साथ ही है। पवन सिंह और मोनालिसा की जोड़ी जब भी रुपहले पर्दे पर आती थी, कयामत ढा जाती थी, और यहीं से बिग बॉस के घर वालों ने उन्हें नोटिस किया और मोनालिसा को बिग बॉस के हाउस में बुलाया। और उसके बाद फिर मोनालिसा ने भोजपुरी में कदम तो नहीं रखा, लेकिन कामयाबी की सीढ़ियां लगातार वो धड़ल्ले से चढ़ती जा रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लुलिया यानी निधि झा की। निधि झा भोजपुरी की ऐसी एकमात्र एक्ट्रेस हैं जिनके साथ पवन सिंह ने फिल्मों में तो कम आइटम नंबर ज़्यादा किए हैं, और उन्हीं आइटम नंबरों से ही लुलिया फेमस हो गई। लुलिया और पवन सिंह का ये गाना लुलिया का मांगेले, ये गाना इतना फेमस हुआ कि लुलिया रातों रात स्टार बन गई, और उसके बाद उन्होंने पवन सिंह के साथ क्रैक फाइटर जैसी मूवी भी की, जो कि पवन सिंह की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली सबसे सफल फिल्मों में से एक है। और आज भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनती होती है लुलिया की। और कभी ये हो रहा था कि लुलिया क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में, यानी कि निधि झा क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने दबदबा अपने आप को कायम कर पाएंगी, लेकिन वो वक्त पवन सिंह के कारण ही आया। अब बात करते हैं तीसरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की। जी हाँ, अक्षरा सिंह को कौन नहीं जानता। अक्षरा सिंह कभी पवन सिंह के दिल की धड़कन हुआ करती थी, और अक्षरा सिंह जब पवन सिंह की लाइफ में नहीं आई थी तभी उन्हें एक पहचान खेसारी की गर्लफ्रेंड के रूप में मिली थी, लेकिन जब वो पवन सिंह के साथ आई तब उनके में जो तब्दीलियत हुई वो ये थी कि अक्षरा पवन के संगत में ही रह के एक बहुत ही अच्छी गायिका बनी। जी हाँ, जिसकी ट्रेनिंग खुद पवन सिंह ने उन्हें दी। स्टेज पर गाने का, स्टेज पे दबंगई के साथ परफॉर्मेंस करने का जो कॉन्फिडेंट है, पवन सिंह की वजह से ही अक्षरा सिंह में आया। अक्षरा सिंह ने इस बात को कई बार कबूला है। खैर, आज उनके रिश्तों में कड़वाहट है, लेकिन आपको बता दें कि खेसारी के साथ वो सिर्फ खेसारी की गर्लफ्रेंड के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पवन सिंह के साथ वो बेहतर एक्ट्रेस के रूप में जानी गई। जी हाँ, जब अक्षरा को पवन का साथ मिला तो अक्षरा में कई चीज़ें बदल गई, जैसे कि जो गायकी उनके अंदर छिपी थी वो उभर कर बाहर आई, और उन्होंने उसको एक नया आयाम दिया, और आज अक्षरा सिंह भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस हैं। बात करते हैं मधु शर्मा की। मधु शर्मा ने तो वैसे भोजपुरी के अमूमन सभी एक्टर के साथ काम किया है, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा हिट फिल्म पवन सिंह के साथ है। जी हाँ, वैसे तो इनकी जोड़ी को खेसारी के साथ भी पसंद किया गया, लेकिन उतना नहीं जितना पवन के साथ। चैलेंज, जय हिंद, माँ तुझे सलाम जैसी कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में देने के बाद मधु शर्मा भोजपुरी की स्टाइल आइकॉन बन गई, और भोजपुरी में सबसे ज़्यादा पे की जाने वाली, यानी कि जिसे सबसे ज़्यादा फीस मिलती है, वो एक्ट्रेस भी बनी। मधु और पवन की जोड़ी को आइडल जोड़ी माना जाता है, और ये कहा जाता है कि ये दोनों पर्दे पर मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। अब बात कर लेते हैं काजल राघवानी की। जी हाँ, आप कहेंगे काजल राघवानी के लिए हम क्यों कह रहे हैं, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा हिट फिल्में खेसारी के साथ दी है, तो फिर काजल राघवानी क्यों। तो हम आपको बता दें कि काजल राघवानी इसलिए क्योंकि काजल राघवानी का सबसे सुपर हिट गाना छलकत बा हमरो जवनिया भोजपुरिया राजा से पवन सिंह के साथ ही इन्होंने काम किया, और इस फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया। बाकी आगे भी इन दोनों ने काम किया और आगे भी करते रहेंगे। पवन पुत्र में अभी ये दोनों साथ में ही नजर आए थे, उसके बाद इनकी आने वाली फिल्म कैसे हुजाला प्यार, जिसकी शूटिंग लॉकडाउन से पहले तक हो रही थी लखनऊ में, इन दोनों को दर्शकों ने जब भी देखा खूब प्यार दिया।
इन दोनों की जोड़ी को भी बहुत सराहा गया। साथ ही आपको बता दें कि पवन के साथ अब काजल राघवानी कई एल्बम में भी नजर आएंगी और उनके साथ स्टेज शो करती भी नजर आएंगी। वैसे खेसारी के मनमुटाव के बाद काजल राघवानी और पवन सिंह भोजपुरिया दर्शकों के बीच रॉक करने के लिए तैयार हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भोजपुरी में इन पांच एक्ट्रेसेस के लिए पवन सिंह लकी चाम बन के आए। पवन सिंह इनके लिए काफ़ी लकी साबित हुए और आज ये भोजपुरी रुपहले पर्दे पर ये सारी एक्ट्रेसेस काफ़ी कामयाब भी हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।